हेलो, नमस्ते सभी के लिए। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मैं पहुँची हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँच के पहले रिसेप्शन पे बैठ के मैंने पेशेंट की फाइल चेक की। डिलीवरी पेशेंट आई हुई हैं तो एक बार फाइल चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये बीच में मुझे कुछ पैसे मिल गए, बहुत खुशी हुई। अभी इनको साइड में रखते हैं, पहले काम पे ध्यान देते हैं। तो ये मैं पहले फाइल चेक कर लेती हूँ। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड है और कुछ ब्लड्स की रिपोर्ट्स हैं। किस ब्लड पूरा है, नहीं है, प्लेट्स वगैरह कम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मैं पहले पूरी फाइल चेक करने के बाद, जब तक स्टाफ वाइटल ले रहा, वाइटल भी चेक कर लिए हैं। फिर मिलते हैं एक बार पेशेंट से, देखते हैं पेशेंट की कंडीशन, क्या कंडीशन है। ये हमारा जनरल वार्ड है और मैं अभी फ़िलहाल पेशेंट से मिल रही हूँ। उसके बाद मैंने कुछ ये सूट किया। और ये हमारा स्टाफ है जो कि मुस्करा रही हैं। ये हॉस्पिटल है और ये जनरल वार्ड है। आगे प्राइवेट वार्ड्स हैं और पेशेंट हमारा प्राइवेट वार्ड में एडमिट है। हमने चेक कर लिया, पेशेंट अच्छे से लेवर पेन में है और कुछ ही टाइम में डिलीवरी भी हो जाएगी। ये हम बैठे हुए हैं, हम आपको टाइमिंग भी दिखाते हैं कितनी हो रही है। देखो शाम का टाइम हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये स्टाफ है, हेलो बोल रहा है, आप भी हेलो बोलिएगा। ये आपने दिखाया था मैंने पहले अभी आपको। ये हमारा स्टाफ है और अभी देखो शाम का टाइम हो रहा है। मैं आपको एक बार घड़ी में भी दिखा देती हूँ, देख कितना बज रहा है। 5:50 हो रहा है, 6 बजने वाले हैं और शाम का टाइम बिल्कुल हो चुका है। आजकल वैसे भी जल्दी से अंधेरा होना शुरू हो गया है तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अभी हम पेशेंट को फिलहाल जल्दी से लेबर रूम में ले लेते हैं। पेशेंट हमारा लेबर रूम में है और अभी प्रोसीजर चल रहा है, बस डिलीवरी होने वाली है। अब आने वाला है या आने वाली है ये तो वीडियो में ही पता चलेगा। ये हमारा न्यूबॉर्न बेबी आ चुका है, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर हुआ है। हमारे यहाँ डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होती है। ऑपरेशन जो कंडीशन है वो देखकर ही पता चलती है। वैसे हम 99% नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीच बेबी है या प्लेसेंटा प्रीविया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब जाके हम ऑपरेशन के लिए सोचते हैं। बाकी 99% नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। बाकी देखो हमारे पेशेंट एकदम नॉर्मल डिलीवर्ड हुआ है। बेबी का वेट भी दिखाऊंगी, कितना किलो का है। देखने में तो हेल्दी लग रहा है, वेट भी आई थिंक ठीक ही होगा। ये हमारा आज का न्यू बॉर्न बेबी जो कि हमने इसको क्लीन कर दिया है एकदम से। देखो आइज मूवमेंट, लिप सिंग और देखो टंग निकाल के दिखा रहा है। फेस एक्सप्रेशन देखिएगा, बहुत प्यारी सी बेबी है हमारी आज की। जो ये बेबी है, बेबी गर्ल है हमारी और एकदम से देखो बहुत खूबसूरत है। आई को देख कैसे ब्लिंक कर रही, वाह बहुत प्यारा मूवमेंट कर रही है बेबी। एकदम से ठीक है, क्राई भी अच्छे से कर रही है, नॉर्मल डिलीवर्ड हुई है, फर्स्ट बेबी है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस वक्त का सबको इंतज़ार होता है, हमें भी इंतज़ार होता है। एकदम से बेबी नॉर्मल है, हमारा माँ भी एकदम से स्वस्थ है। हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, कुछ ड्रेसेस भी पहना देते हैं। अभी हमने इसको कवर कर दिया है क्योंकि अब हल्का मौसम ठंडा होने को है। अभी हम इसको वार्मर में भी रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक इसको क्लीन कर लेते हैं। बाकी टेम्परेचर नॉर्मल है अभी रूम का, हमारे का जो हमने वार्ड में ले रखा है लेबर रूम में, टेम्परेचर इसका नॉर्मल है। और बेबी एकदम से बिल्कुल ठीक है, क्राई भी अच्छे से कर रही है, मूवमेंट भी अच्छे से है, पेशेंट भी हमारे बिल्कुल ठीक है। इस पल का सबको इंतज़ार होता है, हमें भी बहुत खुशी होती है कि इस दिन हमारा इंतज़ार बाहर गेट के जब करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, तो हमें बड़ी खुशी होती है। वो सिर्फ हमारा इंतज़ार करते हैं, कब अंदर से कोई आवाज़ सुनाई दे, कोई हमें किलकारियां सुनाई दे और हम वही हैं जो बाहर जाके एक छोटी सी खुशखबरी दे आते हैं, किलकारी की, नन्ही जान की। सब लोग हमें बहुत सारी दुआएं देते हैं, बहुत खुश होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है न्यूबॉर्न बेबी से मिलके, जब सब कुछ एकदम से नॉर्मल होता है। देखो कितना प्यारा बेबी है, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर्ड हुआ है, फर्स्ट बेबी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेबी भी अच्छे से क्राई कर रहा है। मैं एक बार इसका वेट चेक करके दिखा देती हूँ, वेट कितना है बेबी का। देखो बेबी का जो वेट है वो 2.5 किलो है, 2.5 किलो वेट नॉर्मल होता है, 2.5 से 3 किलो बेजी वेट है वो बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट के लिए, बेबी के लिए होता है। बेबी का जो वेट है वो 2.5 से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होता है तो प्री टर्म डिलीवरी कहलाती है, बेबी प्रीमेच्योर होता है। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। न्यूबॉर्न बेबी से मिलाते रहेंगे, आप हमारे न्यूबॉर्न बेबी को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो थैंक यू आप सभी के लिए।